Camera's rolling and action. नमस्कार, मैं हूं अनुराग बासु. चलिए आज हम आपको अपने नए धारावाहिक स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर के थोड़ी झलकियां दिखाते हैं. আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকল খানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকল খানে আছে সে নয়ন তারায় আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায় তাই না হারায় ও গো তাই হেরিতায় যেথায় সেথায় তাকাই আমি যেদিক পানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকল খানে. 10 साल पहले मैंने शो कंसीव किया था टीवी में करने के रविंद्रनाथ टैगोर का, लेकिन छोटी छोटी कहानियाँ करना चाहता था. लेकिन उस वक्त हर चैनल सिर्फ डेली सोप चाहता था, हर चैनल अलग उसी एक ही तरह के शो चाहते थे. और ऐसा नहीं कि मैंने वो शो कर लिया था, लेकिन मैं एक ही चीज़ कर करके उकता गया था और मैं ये शो करना चाहता था. मुझे याद है ये शो लेकर मैं 2-3 चैनल के पास गया था, टैगोर की छोटी कहानियाँ मैं करना चाहता था, और मुझे बहुत ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था. फिर जब वापस इतने साल बाद जब एपिक चैनल से बुलावा आया, उन्होंने कहा कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार ये एक शो है जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ. ये सारी कहानियाँ शायद मैं फिल्मों में ना बता पाऊँ, और मुझे बताना है, मुझे दिल कर रहा है कि ये सब कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए. और उन्होंने तुरंत हाँ बोला, और बस तब से बना रहे हैं हम लोग ये शो. और आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम हैप्पी कि फाइनली ये शो और ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचेगी हिंदी टेलीविज़न के ज़रिए. मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं विनोद, लेकिन क्यों निकल नहीं रहे हैं ये शब्द मेरी जुबान से? क्यों नहीं कह पा रहा हूं कि मेरी पसंद बस तुम हो? उस दिन से जब पहली बार तुम्हें मालदा में देखा था, तुम्हें ही पसंद किया था मैंने. गुरुदेव की कहानियां ने मुझ पर छाप छोड़ा है. ऐसे हर कोई जब कहानी देखेगा ना कहीं अपने आप को उस कहानी में पाएगा. मैं भी उनके कई कहानियों में अपने आप को पाता हूँ. कई किरदार उनके हैं जो मेरे आसपास हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ तोड़ मरोड़ किए बिना, बस मेरा यही है कि आसानी से हिंदी दर्शकों के लिए, क्या है उनकी कई कहानियाँ, कई गाने, कई कविता हिंदी में ठीक से आसानी से ट्रांसलेट होते नहीं हैं, और वो जस्टिफाइड नहीं होते. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, कोशिश की है, बहुत मुश्किल है उनके काम, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज जो है अपने आप में बहुत रिच है, हिंदी लैंग्वेज जो है बहुत यंग है, बंगला कम से कम 1000 साल पुरानी भाषा है हिंदी से, तो इसलिए वो सारी बातें जो है, न्यूएंसेस जो है हिंदी में ठीक से ट्रांसलेट नहीं होती, अनुवादित नहीं होती है. लेकिन बस हमारा ये जो धरोहर है टैगोर का, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों तक पहुँचे और आने वाले जनरेशन पहुँचे, क्योंकि उनका नॉलेज अबाउट टैगोर इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिएटर ऑफ नेशनल एंथम एंड गीतांजलि एंड नोबेल प्राइज. दे डोंट नो बियॉन्ड इट. So my job is to take it beyond it. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैं तुम्हें इतना सताती हूँ. तुम मत सताओ. हाँ, पर पता नहीं मैं क्यों ऐसा करती हूँ. मुझे पता. क्या? यही कि ये जो गुस्सा है वो बस तुम्हारा एक मुखौटा है, और इस मुखौटे के पीछे जो तुम हो उस तुम में ढेर सारा प्यार है. मैं एक बहुत मध्यम वर्ग की बंगाली परिवार से हूँ, और हमारे कल्चर में, हमारे खून में, हमारे संस्कृति में टैगोर बसा हुआ है एकदम. चाहे वो शादी हो, नए बच्चे का जन्म हो, या फिर किसी का देहांत हो, टैगोर हर सिचुएशन में है, उनके गाने कविता हर सिचुएशन के लिए. तो लेकिन बचपन में मैंने इतना समझा नहीं था उन्हें. तो हमारे स्कूल कॉलेज में जब नाटक होता था तब उनके नाटक करते थे, दुर्गा पूजा में चित्रांगदा वगैरह हुआ हम उसमें हिस्सा लेते थे. लेकिन जब समझ आई उनकी बातें तब जाके रुचि बढ़ी, फिर मैं और जानना चाहा. और किस्मत से तभी मेरी मुलाकात तानिश हुई मेरी धर्मपत्नी से, और हम कहीं पे आसाम गुवाहाटी में मिले, और पहली मुलाकात में तानी जो है, मुझे याद है हम ऐसा सब बैठे हुए थे और गाने के लिए कहा, तो उसने गाना गाया, रविंद्र संगीत गाया, तो बस वहीं से थोड़ा सा इश्क शुरू हो गया था उनके साथ. फिर वो शांति निकेतन की है, वहीं बली बड़ी है. तो मैं तानी से जो मुझे ज्ञान मिला टैगोर के बारे में, एंड आई थिंक इट्स एन बेस्ट गिफ्ट शी हैज़ गिवन टू मी,
इस नॉलेज अबाउट टैगोर एंड टैगोर्स पोएट्री अभी भी दे रही है, क्योंकि उनका इतना काम है, हर कविता, हर शब्द, हर का मैं उनसे मतलब पूछता हूँ और मुझे ठीक से अच्छे से समझाती हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 150 साल बाद भी ऐसी क्या वजह है जो 150 साल बाद भी आज भी टैगोर इतना जिंदा है बंगाल में, उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि ही वॉज अहेड ऑफ टाइम, उनकी कहानियाँ उतनी रेलेवेंट है। ये कहीं पर लार्जर इंडिया में नहीं है, बंगाल के बाहर। और मुझे आई एम श्योर दैट यू नो दिस इस शो के ज़रिए और ऐसे कई शोज और इस तरह के कई कामों के ज़रिए हम उनके फिलॉसफी को, उनकी कहानियों को, उनकी कविताओं को वापस लोगों तक पहुँचाएँ। आप उदास हैं तो आपके लिए टैगोर का गाना है। आप सुबह उठ के, सर्दी की सुबह है, सर्दी की सुबह के लिए उनके पास गाना है। पहला इश्क हो रहा है 16 साल की उम्र में, कहानी है। बिफोर शादी के पहले वर्जिनिटी लूज करे नहीं करे, कहानी है। अहेड ऑफ टाइम मॉडर्न स्टोरी। आमारु परानो जाचा तुमी ताई गो आमारु परानो जाचा। सो आई थिंक हर सिचुएशन के लिए उनके लिए कहानियां, कविताएं, गाने लिखे गए हैं। 150 साल बाद भी आज भी वो इतने रेलेवेंट है और शायद 150 साल बाद भी इतने ही रेलेवेंट रहेंगे। यही तो गुण है ना आप में, औरतों के दिल में क्या छुपा है देख लेते हैं आप। हम चाहते थे कि पूरी कहानी जो हम बंगाल में शूट करें, और मेरी यूनिट बंगाल में गई थी, वो 2-3 एपिसोड में डायरेक्ट नहीं करा था, लेकिन जब मेरी पूरी यूनिट बंगाल में गई एंड इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू नो देर वॉज लॉट ऑफ यूनियन प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम, और हम टैगोर की कहानियाँ बंगाल में शूट नहीं कर पाए। तो हम चाहते थे कि बंगाल में ये कहानियाँ शूट करें, फिर हम पूरी यूनिट लपेट के वापस आए। ये दूसरी यूनिट वालों के साथ हुआ है कई बार, कई फिल्में ऐसे गई हैं वहाँ पर शूटिंग नहीं हो पाई, वापस आ गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम मेरे साथ शायद ना हो, या इस कहानी के साथ, इस धारावाहिक के साथ ना हो, लेकिन हमें वापस आना पड़ा। फिर हमें बॉम्बे में बंगाल बनाना पड़ा, जो कि मुश्किल था, और बहुत सारे मज़ेदार घटनाएं हुई, क्योंकि वैसा यहाँ पे लैंडस्केपिंग नहीं है, तो ये एवरी टाइम इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, बिकॉज यू नो आपको यहाँ पे बंगाल क्रिएट करना है। मेरी पुरानी बहुत बुरी आदत टेलीविजन की कि मैं शूटिंग करते करते कहानी बनती है मेरी, और तो मैं चोखे वाली के शूटिंग के दौरान आई वॉज इम्प्रोवाइजिंग ए लॉट ऑन सेट। वहाँ पे एक जगह लगा कि यहाँ पे गाना गाना चाहिए, यहाँ पे इस वक्त जब महन आके इसको देखता है तो बिनोदिनी को, बिनोदिनी शुड सिंग एंड ही शुड, अभी गाना तो कहाँ से रखेंगे हम, रिकॉर्ड हुआ नहीं था और मैं गाना चाहता था वहाँ पे। तो वो एक मज़ेदार सीन था जहाँ पे शायद पुरानी फिल्मों में ऐसा होता होगा किसी ज़माने में, जहाँ पे तानी देवात्मा मेरे दो तीन असिस्टेंट लैपटॉप में क्लिक साउंड के साथ बैकग्राउंड गाना गा रहे थे लाइव वहाँ पे, और हम यहाँ पे शूट कर रहे थे। सो हम लोग कई सारे 2-3 गाने ऐसे शूट किए जो कि ऑन सेट इंस्टा प्लेइंग इन नागरा और प्लेबैक द पीपल सिंगिंग एंड आर्टिस्ट वर सिंकिंग लिप सिंकिंग ऑन स्टेज, दैट वाज फन। Actors who have worked in this show are amazing. Sumit, Bhanu, Radhika, Tara, Amrita Puri, Rohan in Atithi was brilliant. The challenge is you have to have this opulence and richness and drama and music. मेरा पहला इश्क तो टीवी है, क्योंकि टीवी ज़्यादा मुश्किल है, टीवी में अचीव करना मुश्किल होता है उस समय में। फिल्म में आपको काफ़ी वक्त मिलता है, आपको ऑर्गेनाइज करने का टाइम मिलता है, आपको पैसे लग हैं आपके पास सब कुछ बनाने के लिए, टीवी में नहीं है। टीवी इज़ रियली चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज सो डियर टू मी, बिकॉज इट्स रियली चैलेंजिंग, इट रियली पुशेस यू टू थिंक एंड दैट्स वेरी टफ। तो आजकल के जो टेलीविजन के फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनकी मोरालिटी, उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स, उनके डिसीशंस, उनका सोचना इतना रिग्रेसिव है,
और मुझे लगता है जो टैगोर 100 साल पहले लिख कर चले गए हैं जिस तरह किरदार, आजकल के हमारे टेलीविजन किरदार उससे भी 100 साल पुरानी की सोच रखते हैं। सो इसीलिए इतना रिलेवेंट। तो पहले ये सारा शो सर्कस के हमने जो सारी डुगडुगी बजाई मदारी बनके कि आप लोग आए और हमारा शो देखें रात के 10 बजे हर सोमवार और मंगलवार, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ना भूले हाँ।